हाय फ्रेंड्स, मैं पिंकी तरेड़े का आप सभी को मेरा नमस्ते। आज बनाएंगे मटर चाट। आइए बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं मटर यहाँ पे भिगो के रख दिया था 1 घंटा। अभी हम बॉईल करेंगे, उसको धो देंगे, कुकर में देके हम बॉईल करने के लिए बिठा देंगे। और ये गर्मी के टाइम पे खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी मैं नमक दे के बिठा दूँगी। नमक पहले से देने से अच्छा होता है, टेस्टी अलग लगता है। उसमें बस टमाटर और प्याज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहे तो और दूसरा कुछ दे सकते हैं, मिर्ची प्याज। इस तरीके से काटेंगे। देखिए हमारा चना भी इस तरफ से बॉयल हो गया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा मैगी की तरह। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम थोड़ा सा तेल देंगे। अभी हम प्याज डालेंगे, ज़्यादा पकाएंगे नहीं प्याज को, थोड़ा सा कच्चा रखेंगे। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ्री टाइम में तो 1-2 बजे ऐसा खा सकते हैं बना के। थोड़ा सा नमक इसमें देंगे, पहले से हम थोड़ा सा दे दिए थे, स्वाद के अनुसार देख के देंगे। अभी मैं जीरा पाउडर दिया हूँ। अभी हल्दी पाउडर देंगे। आपको जिस हिसाब से तीखा चाहिए उस हिसाब से लेंगे, पर गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा तीखा नहीं खाएंगे, नहीं तो पेट ख़राब हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरा फेवरेट है, मेरा नानद का भी फेवरेट है, सभी का फेवरेट है, अच्छा लगता है, सब बनाते हैं ही बना के खाने में। अब बनाइए। अभी मैं धनिया पाउडर दिया हूँ, अभी गरम मसाला दिया हूँ, और मेन टेस्ट लगता है मीट मसाला में। मीट मसाला देंगे थोड़ा ज़्यादा करके तो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगेगा उसको। मसाला देखिए हमारे हो गया। अभी चना डालेंगे। अभी हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। कैसा लगे कमेंट में बताइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको क्या पसंद है, किस उपाय से आपको चाहिए, मुझे कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। हमारा तैयार चना चाट, मटर चना चाट। नींबू डाल के खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।